दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे एस एन श्रीवास्तव। तो पटनायक की जगह एस एन श्रीवास्तव लेंगे 1 मार्च को पुलिस कमिश्नर का पद। सीनियर आईपीएस अफसर एस एन श्रीवास्तव संभालेंगे। तो हाल ही में स्पेशल सीपी बनाए गए थे एस एन श्रीवास्तव। तो दिल्ली हिंसा के बाद स्पेशल कमिश्नर अमूल पटनायक के कार्यकाल कल आखिरी दिन है, 29 फरवरी को रिटायर होंगे अमूल पटनायक। तो चुनाव के चलते पटनायक को 1 महीने का जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 29 फरवरी को रिटायर होंगे अमूल्य पटनायक। और अब दिल्ली की कमान एस एन श्रीवास्तव को अमूल पटनायक के बाद दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। तो 1985 बैच के आईपीएस अफसर हैं एस एन श्रीवास्तव, जो अमूल्य पटनायक के बाद दिल्ली की कमान को संभालेंगे। तो दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। तो एस एन श्रीवास्तव को पुलिस कमिश्नर बनाने की हरी झंडी गृह मंत्रालय ने दी है। इसके बाद राज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश जारी कर दिया और 1 मार्च से वो ये चार्ज संभाल लेंगे। तो दिल्ली के मौजूदा पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक 29 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। एजीएमयूटी 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी एस एन श्रीवास्तव अभी तक सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में तैनात थे। दिल्ली हिंसा के बीच उन्हें सीआरपीएफ से बुलाकर दिल्ली का स्पेशल कमिश्नर और बनाया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित दुबे फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, हिंसा के बीच एस एन श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस की कमान। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार दिल्ली पुलिस पे दोषारोपण होता रहा है, खासकर कई आरोप लगे दिल्ली में हिंसा के बाद, और ऐसे में दिल्ली के जो कमिश्नर हैं अमूल पटनायक, उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। कल उनके कार्यकाल का आखिरी दिन है और इससे पहले भी उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन दिल्ली में चुनाव की वजह से 1 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। और अब जम्मू कश्मीर से स्पेशल कमिश्नर जो यहाँ पे खासतौर पर बुलाए गए एस एन श्रीवास्तव, वो जो है 1 तारीख को चार्ज लेंगे। और ऐसे में जब दिल्ली के हालात, लोग लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली के हालात जो है वो कश्मीर जैसे होते जा रहे हैं, कई आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे जाहिर तौर पे दिल्ली में नए कमिश्नर जो हैं जब चार संभालेंगे तो उनके लिए स्थितियां किस तरह होंगी देखना होगा। जी बिल्कुल, और जिस तरह से तेज तरार अफसरों में कहीं ना कहीं एस एन श्रीवास्तव की गिनती होती है, अगर कश्मीर की बात करें, एक बखूबी जो भूमिका है अमित तो एस एन श्रीवास्तव की तरफ से निभाई गई, चाहे वो ऑपरेशन ऑल आउट के लिए भी उनको जाना जाता है, कश्मीर में आतंक को खात्मे का भी जो जिम्मेदारी थी वो उनको सौंपी गई थी, और अब दिल्ली की कमान उनको सौंप दी गई है इसी इरादे के साथ। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली देश की राजधानी, और देश की राजधानी में इतनी बड़ी हिंसा हो जाए तो वाकई देश के लिए भी शर्मनाक बात है। और यही वजह है कि एस एन श्रीवास्तव बात करें तो उन्होंने पहले इस तरह के कई हालातों को देखा है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर, और जिस तरह वहां की शांति बहाली में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो सेवाएं खासतौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में दी थी, और वही सेवाएं कहीं ना कहीं सरकार की नजर में होंगी, और यही बड़ी वजह भी मानी जा रही है कुछ जो दिल्ली के कमिश्नर के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। जी बिल्कुल, अब एक अहम जिम्मेदारी तो यहाँ पर, लेकिन साथ ही चुनौती भी अमित रहेगी, क्योंकि बीते दिनों जो दिल्ली में हालात देखने को मिले थे तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी सीधे सवाल खड़े हो रहे थे, और अब तो पूरी कमान जो है एस एन श्रीवास्तव को दे दी गई है, तो चुनौती भी कहीं ना कहीं एक बड़ी उनके सामने अब। जी बिल्कुल, देखिए अमूल पटनायक के पूरे कार्यकाल पे कई बार ऐसे आरोप लगे कि दिल्ली पुलिस की लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आई, कई मामलों को लेके इस तरह की चीजें जो है वो लगातार घटती रही, और खासतौर पे चुनाव की वजह से उनका कार्यकाल उस वजह से 1 महीने बढ़ाया गया था। और अब जब नए पुलिस कमिश्नर होंगे तो अपनी तरह से पुलिस को हैंडल करेंगे, खासतौर पर 84,000 जवान लगभग जो है वो दिल्ली पुलिस में है, आईपीएस और बाकी सारे लोग मिला के, तो जाहिर तौर पर अब क्योंकि, लेकिन इससे खराब हालात जम्मू कश्मीर के एस एन श्रीवास्तव ने देखे हैं, उन्हें पता है कि इन हालातों को कैसे ठीक किया जाना है, लोगों से कैसे मिलना है, लोगों को कैसे समझाना है, पुलिस को कैसे मोटिवेट करना है, तो जो एक्सपीरियंस खासतौर पर उनके साथ रहा है कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस जो है दिल्ली में भी कानून व्यवस्था लागू करने में न सिर्फ उनका बल्कि दिल्ली पुलिस का भी सहयोग करेगा। और उम्मीद की जाती है अब जिस तरह से हिंसा शांत है, आगे भी कोई भी माहौल खराब ना हो, दिल्ली पुलिस अपना प्रदर्शन, खासतौर जिस पे लगातार आरोप लगते हैं, उनकी एस एन श्रीवास्तव के आने से सुधारने की उम्मीद है। जी चलिए अमित, फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।